महिलाओं के साथ भेदभाव होना इस देश में नई बात नहीं है, लेकिन अगर यह काम, यह भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन सरकार द्वारा किया जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बनती है। लुधियाना में भी पंजाब सरकार ने एक वर्ल्ड कबड्डी कप करवाया जिसमें महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया गया और उन्हें हीन भावना से देखते हुए उनके साथ जो प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें पक्षपात किया गया। यहाँ पर जो हुआ वर्ल्ड कबड्डी कप, इसमें जो पुरुषों की टीम थी उसको 2 करोड़ रुपये और जबकि जो लड़कियों की टीम थी उसको 25 लाख रुपये मात्र दिए गए। जब यह सवाल कबड्डी टीम की, पुरुषों की टीम के कैप्टन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रयास तो किया है। वहीं दूसरी तरफ जो सामाजिक सुरक्षा और स्त्री बाल विभाग की पंजाब की कैबिनेट मिनिस्टर है जो लक्ष्मीकांता चावला, उन्होंने इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि वह स्वयं मिनिस्टर हैं और उनके साथ भी जेंडर जो है लिंग भेदभाव होता है। लोगों को अपना मानसिकता बदलनी होगी और उन्हें चाहिए कि वे सभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दें और सरकार द्वारा किया गया जो कार्य है इस कार्य को अगली बार से ना दोहराया जाए। मैडम, आप ये मानते हैं कि जो पंजाब सरकार है वेमेन महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि जैसे उन्होंने कबड्डी कप में पुरुषों को 1-2 करोड़ दिए और महिलाओं के 25 लाख सिर्फ दिए? देखो क्या क्यों दिया मुझे नहीं पता, शायद वो 14 थी वो 4 थी जी। लेकिन आप एक बात मान लें, बेशक महिला गवर्नर बन जाए जी, उसके साथ सामाजिक समानता नहीं है जी। अगर मेरे जैसे व्यक्ति को हमीरपुर मंदिर में नहीं जाने दिया कि यहाँ महिलाएं नहीं आ सकती, वो कल को देश की राष्ट्रपति जाएगी उसको भी नहीं जाने देंगे। क्या इनिशिएटिव आप ले रही हैं कद्दा और समाज की, आप बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेटिव हैं महिलाओं की। मैं औरतों को कहती हूँ कि अगर आपके ऊपर जुल्म होता है तो आप खुद जिम्मेवार हैं। जो जिंदा लोग हैं ना उनको विरोध करना चाहिए। कैप्टन साहब, तुहानू 2 करोड़ देते थे, कुड़ियों नू 25 लाख रुपए देते थे, फर्क मानते हो इस बारे तुसी भाई, कुड़ियों डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? नहीं नहीं भाजी, इदां दी कोई गल नहीं। तुसी ये सोचो कि कुड़ियों नू पहला टीम खेडण नू कबड्डी खेडण नू है नहीं सी, उन्हां दे समझ लो ऐत की 25 कीता वा अगले साल होर वध जूगा भाजी, पर कोई ना कोई शुरुआत तां होई आ। खास तौर पर महिलाएं हैं, उनके जो राइट्स हैं पुरुषों के बराबर उनको दिए जाएं और उनको जो बनता इनाम की राशि है वह भी 2 करोड़ के करीब जो पुरुषों को दी जाती है वही महिलाओं को दी। के लिए जय कुमार।